हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और इस वीडियो की अगर थंबनेल पे क्लिक किया है तो उसका कारण ये है, समय बचा है कम, समझ में आ नहीं रहा है हमें, और आप चाहते हो कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लें। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने लास्ट के 5 महीने जो बचे हैं उसको क्लियरली मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज, एक छोटा सा बोनस ये है कि अगर ये लगे कि यार मेरे नंबर कम आएंगे नीट एग्जाम के बाद, ये लगे कि मेरे नंबर कम आएंगे, इस वीडियो को वापस आके देखना, क्योंकि यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, वो ये है कि अगर आपके नंबर कम आते हैं तो क्या आप कुछ प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जिसकी फीस कम है, या फिर क्या कोई ऐसे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो जो कि लो मार्क्स पे भी आपको मिल सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे देते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं लास्ट 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। तो देखो, अब सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो डिस्ट्रैक्शन आपको हो रहा है उसका कारण है बहुत ज्यादा परेशानी में हो आप। क्यों? क्योंकि सिलेबस अब हो सकता है या तो ज्यादा है या फिर मेहनत हमने थोड़ी सी कम करी है, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे आता है? व्हाट्सएप से आता है, इंस्टाग्राम से आता है, स्नैपचैट से आता है। कमेंट करके बताओ आप मुझे, आपको किससे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट। अब दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखो, अपन को एक चीज जो रियलिटी समझनी पड़ेगी वो ये है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे, इसमें ही हमें जो कुछ करना है वो करना है, अदरवाइज 5 महीने में 12 महीने और एड हो जाएंगे, 5 महीने में 12 महीने और ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज हमें प्रॉपरली मैनेज करके रखनी पड़ेगी। हमें मॉक टेस्ट देना है, हम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो अब हम क्या करें, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें ताकि जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। अब एक छोटा सा अजम्पशन हम लेते हैं कि अगर मान लो आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो, अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 6 घंटे पढ़ाई करना बहुत आसान काम है, पढ़ाई करना, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं बहुत आसान काम है पढ़ाई करना। तो 6 दिन अगर पढ़ाई करते हो एक हफ्ते में और संडे को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देते हो, तो आपके पास कितने घंटे हो गए? अराउंड 144 घंटे हो जाते हैं, 144 घंटे हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे इसको हम प्रॉपरली डिवाइड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना नेक्स्ट स्लाइड का, मैं इसे प्रॉपरली अलाइन कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सको। तो जो हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कुछ इस तरीके से हमें टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्लीप टाइम, स्लीप हमें नहीं करनी है अपनी खराब, स्लीप नींद हमें अपनी नहीं करनी है खराब। तो 7 घंटे हम सोएंगे, कोचिंग टाइम अराउंड 5 घंटे रहता है। अब ये वेरी करता है, देखो ये वेरी करता है, ये मैं भी नहीं बोल सकता। फिर आपके पास रिवीजन का टाइम है 2 घंटे, आपके पास ट्रेवल टाइम है, इनकेस अगर आप ऑनलाइन ही जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ट्रेवल करना पड़ता है। मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते थे जब मैं कोचिंग जाता था। उसके बाद आपका डेली एमसीक्यू, ये तो करना ही है, ये चीज तो करनी है एमसीक्यू। हम अपने चैनल पे भी एमसीक्यू पोस्ट करते हैं कम्युनिटी टैब पे, अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू नहीं मिल रहे, हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू पोस्ट करते हैं, हम किसी जगह से उठा के नहीं कर रहे, हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू पेस्ट करते हैं वहां पर, तो जाके वहां से भी कर सकते हो आप एमसीक्यू। फिर सेल्फ केयर, ऑब्वियसली बात है ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत है। और फिर नॉन स्टडी टाइम, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज, आपका रिफ्रेश होना, बिकॉज आपका ब्रेन 24 घंटे फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर आप उसको रिग्रेसली फोकस करना चाहोगे। तो मेरा सजेशन ये है भाई, अपने एक दिन को ऐसे डिवाइड करो, और आपके पास कितने घंटे हो गए? 132 घंटे हो गए, 132 घंटे हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? 12 घंटे बचे हैं, कैलकुलेशन कर देता हूं, 144 आवर्स थे हमारे पास, उसमें से 132 चले गए, कितने बचे? 12। अब देखो इन 12 घंटे में आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे, आपको फोकस करना है प्रिपरेशन पे, रिवीजन पे, इन 3 चीजों पे फोकस करना है 12 घंटे में, बिकॉज जो पढ़ोगे उसको अगर याद रखोगे तो ही आगे ले जा पाओगे।
लेकिन अगर जो पढ़ोगे नहीं उसको याद कैसे रखोगे, तो आगे भी नहीं ले जा पाओगे। तो मेक श्योर कि प्रिपरेशन, रिवीजन और एमसीक्यू मॉक टेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही करना है, वो है आपका वीक एरियाज पे फोकस। वीक एरियाज पे फोकस, वीक एरिया भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर से बोल देता हूं, आपके जो नीट का सपना है 720 नंबर लाने का, वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं ला पाएंगे। वो आपके सिर्फ और सिर्फ कितने वीक टॉपिक को आपने फिक्स किया है, कितनों को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट किया है, वही रहेगा। क्योंकि सही आंसर से आपको +4 मिलता है, गलत आंसर से -1 मिलता है। तो -1 का मतलब क्या है, आपका सीधा सीधा एक नंबर गायब, और एक नंबर पे रैंक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन करो और वीक टॉपिक्स को भी देखो, वीक टॉपिक्स को भी देखो। अब क्या यही प्लान हमें फॉलो करना है, क्या मैं अपना प्लान बना सकता हूं? हाँ, आप बना सकते हो, लेकिन ये जो प्लान है, ये प्लान हमने रिसर्च करके बनाया है, समझ के बनाया है कि क्या एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को जरूरत होती है, जो स्पेशली इस प्रेशर में है कि अब सिर्फ 5 महीने बचे। तो अगर फॉलो करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं करना है, खुद का एक प्लान है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका क्या प्लान है। लेट मी सी, मुझे देखने दो कि क्या प्लान है। लेकिन आपको यहां पे ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, यहां पे आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली अगर नहीं फॉलो करोगे इस प्लान को, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट, बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट। तो मेक श्योर कि आप उस प्लान को प्रॉपरली फॉलो करो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं किस तरीके से आपको अपने डेज को डिवाइड करना है। ये रहा वो प्लान, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, फॉलो कर सकते हो बिल्कुल करो। अगर फॉलो करोगे तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आप फॉलो कर रहे हो। और एक जो छोटी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, जो मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगा, वो ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनका नंबर आता है 440, जस्ट एन एग्जांपल, आउट ऑफ 720। तो यार 440 में गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलना, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं, तो एक साल वेस्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास इंडिया में हैं, जहां पे लो फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो एज अ डॉक्टर बनना। काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो लो कट ऑफ पे एडमिशन देते हैं, लो फीस, लो कट ऑफ, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है अब्रॉड। और अब्रॉड में एक ऑप्शन आपके पास ये भी आता है कि जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आप इंडिया आके वापस डॉक्टर बन सकते हो, वैसे भी इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन लोगों को लगता है कि हम ढूंढ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसके मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, हमारे एक्सपर्ट से बात करो, हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे क्या सही ऑप्शन है और क्या गलत ऑप्शन है। क्योंकि ये हमारा काम ही है, ये हमारा काम ही है, हमारी टीम डेडिकेटेडली इसी के लिए है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको बात करनी है हमारे एक्सपर्ट से, तो जाओ व्हाट्सएप पे कॉल करो या फिर हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, ये वीडियो होता है खत्म। मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.